सो हेलो गाइस, वेलकम टू हाइपर एक्स न्यूज। तो हाइपर एक्स न्यूज अभी थोड़ा बिजी चल रहे, तो उनकी जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे पहले न्यूज है जिगल जंग टीडीएम बैटल टूर्नामेंट की तरफ से। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इधर टीम गॉडलाइक ने वो टूर्नामेंट जीत लिया है और वहाँ पे खेल रहे थे नोवा किंग और एस पावर, और उन्होंने जीता है 1,20,000 रुपीस। तो इधर एस पावर का बात आ ही चुका है, तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है एस पावर की तरफ से। तो बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि एस पावर के नाम के पहले एस का मीनिंग क्या है। तो यही चीज का मीनिंग हमें एस पावर के इंस्टा लाइव में देखने को मिला है। तो उन्होंने सिकली क्या कहा, अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सच्ची में स्मार्ट लगता है भाई। अरे क्या स्मार्ट, खत्म है भाई। भाई कुछ खत्म नहीं है गाइस, देख लो गाइस, देख लो। डेड मोमेंट, डेड मोमेंट। आ क्या पावर शॉट। हां ये देखो, इसको देखो, इसको देखो। पावर एस का मतलब क्या आ गए? पावर एस का मतलब क्या आ गए? एस का मतलब क्या आ गया एस पावर में? पावर सुप्रीमेसी। ओ त भाई चार्ट आउट में पता है भाई, अंदाज स्पैम चल रहा भाई। पावर से एस का मतलब पूछो, एस से अलग अलग आ सोल पावर, सोल पावर आवे बहुत सारे सोल पावर। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है हस्तर की तरफ से। तो हस्तर की रिसेंट लाइव स्ट्रीम में किसी ने पूछा था कि उन्होंने टीम ओआर को क्यों लीव किया था। तो इसमें हस्तर ने क्या कहा, अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। के ओआर क्यों लीव की थी, उसका रीजन आपको जानना है ना। के ओआर लीव करने का रीजन ये था कि देखो, नो सार्कैज़म, ओके, नो सार्कैज़म, लिटिल नो सार्कैज़म। के देखो, एट वन पॉइंट इट वाज लाइक मावी के साथ खेलने में इट वाज लाइक मैं गलती करूं तो मेरी गलती और मुझे गाली पड़ेगी, कोई और गलती करे तो उसको गाली पड़ेगी, अगर मावी गलती करे तो भी मुझे गाली पड़ेगी या किसी और को गाली पड़ेगी, और मावी को गाली देने वाला कोई था ही नहीं, बराबर। फिर मैनेजमेंट को बोलते हैं, मैनेजमेंट भी लाइक मावी है ना, मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में मैंने मैनेजमेंट को फिर बोला, गाली दिया, अरे मावी है ना, मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में टूर्नामेंट में भी हम हारे थोड़ा, मैंने बोला तो और बोलती मावी है ना, मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में मैंने ओआर को बोला मैं लीव कर रहा हूँ, तो ओआर कुछ बोलने गई उससे पहले मैं बोला हाँ पता है मावी है ना तो मैं लीव कर दिया नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली द थिंग वाज नहीं जम रहा था, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिसिटी वाला माहौल हो गया था, हमारे बीच में लड़ाई वड़ाई भी हो गई थी। तो उस वजह से फिर मैंने बोला यार देखो भाई, दोस्ती और के बीच में प्रोफेशनल चीज़ें लाना इट्स नॉट गुड, नहीं जम रहा है तो निकलते हैं यहाँ से। एंड फिर वहाँ से मैंने बोला देखो, फिर ओआर को ऑप्शन दिया गया था, या तो मावी और संधू को चूज़ कर लो और या तो फिर एक्जी एंड हस्तर को चूज़ कर लो, सो दे वेंट फॉर मावी एंड संधू। तो वैसा हो गया, फिर हमने बोला था कि लाइक या तो मावी को आप रिप्लेस करो किसी से, या तो फिर हम दोनों को रिप्लेस कर दो। सो दे सेड मावी विल स्टिक टू द टीम और आप लोगों को हम रिलीज कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है स्काउट की तरफ से। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि टीम एक्स पाक में हमें एक प्लेयर देखने को मिले थे जिसका नाम है टी एक्स अननोन। तो यही चीज़ का रिवील हमें स्काउट के लोगों के लाइव स्ट्रीम में देखने को मिला है, और वो और कोई नहीं बल्कि मोगैम्बो है। तो वो मोमेंट अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अरे टी एक्स अननोन हो तुम? अरे सभी को पता है, तुम टी एक्स अननोन हो क्या? गॉड प्लेयर हो क्या तुम? शर्म आती है भागने का टीडीएम में। मैं हागने के मैं बताऊंगा उसका पूरे में बताऊंगा आपको, आपको अल्ट्रॉन ने जो किया है ना अगला के मैंने मैं भी क्या अल्ट्रॉन बहुत गाली दे सभी इसको। अबे हद पता नहीं क्या हो गया उसे, अल्ट्रॉन को क्या हो गया एकदम से, पूरी मावी की फ्रस्ट्रेशन इधर निकालता है वो क्या बात कर रहा है, कुछ भी अरे कुछ भी मत देखो, जैसे मैं बेस से स्पॉन होके आ रहा हूँ अपना बीच में जाके पिट रहा है ना, कह रहा कवर क्यों नहीं दे रहा है, कहा है पीछे क्या कर रहा है तेरे को पड़ता है क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा। पहले चार मिनट सुन पहले चार मिनट ना माइक ग्लिच था, बढ़िया चल रहा था स्कोर, चौदह ईच चल रहा था मजाक से हट के। हाँ। जैसे माइक खुलना माइक ग्लिच ठीक हुआ ना भाई, अल्ट्रॉन लगी पागल भाई, कुछ भी बोल रहा है, बोले जा रहा है बोल, मैंने कहा लड़ ले या खेल ले। और फिर उस मैच में हमें क्लाउनी टीम एक्सपाक के टीम से खेलते हुए दिखे थे। तो इससे बहुत लोगों को लग रहा था कि क्लाउनी और मोगैम्बो दोनों टीम एक्सपाक को ज्वाइन करने वाले। तो इसमें स्काउट ने अपने रिसेंट लाइव स्ट्रीम में कुछ रिप्लाई दिया है, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हम रैंडम खेलेंगे रे, रैंडम
क्लाउनियन मंगाया न्यू टेस्ट प्लस क्लाउनी बढ़िया है। अरे नहीं बाबा कोई न्यू टेस्ट प्लस नहीं है, दोस्त है इन लोग, फ्री लाए फ्री एजेंट से इन लोग, फ्री फ्री एजेंट। जिम डाइट चिकन प्लस चॉकलेट। और फिर स्काउट ने जॉनाथन के बारे में भी कुछ कहा है, तो उन्हें एग्जैक्टली क्या कहा अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बाजू में भाई जॉनी के बारे में दो शब्द, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन इंडिया एंड करेंटली द मोस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर, नो वन कम्स क्लोज टू हिज कंसिस्टेंसी, नो वन। हाय ब्रो हाउ आर यू, आई एम बढ़िया 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 बढ़िया। तो अगर जॉनाथन का बात आ ही रहा है तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जॉनाथन और मॉर्टल की तरफ से। तो ये न्यूज़ कवर करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ किसी को भी हेट मत दीजिएगा। तो इधर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसका नाम है द फॉल सीजन फेस ऑफ डे वन, और उधर सैनॉक के मैप में हमें जॉनाथन दिखे मॉर्टल को पैन करते हुए। तो सबसे पहले आप वो मोमेंट अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। जाना पड़ेगा, चल बंदा होगा आगे, बंदा लेफ्ट में वीरू है क्या? हाँ साउंड है, हाँ ऊपर है ऊपर है ऊपर है, मारना पड़ेगा उसके लिए ओपन। हम लोग 1 HP, अरे दो है, दो है देख के फर्स्ट मार लेना गाइस। अबे हम राइट से जाते ना चारों के चारों बच जाते। अबे लेकिन ये सीज पहले साइड हो, फर्स्ट मार लेना। हाँ ये थोड़ा चीज अपन ले लेंगे, कोई नहीं आराम से खेल। तो नहीं मत जाना, मत जाओ, खेल खेल मत दे। और फिर इसी चीज़ की वजह से जॉनाथन को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था। तो फिर इसके बाद मॉर्टल ने कुछ रिप्लाई दिया है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जनता को बोलो हेट ना दे पैन करने पे। अबे गाइस क्या करते हो तुम लोग, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम गाइस, बदमाशी लोग, हंसो थोड़ा, स्माइल करो यार, ऐसे नहीं होता जिंदगी में, हर एक चीज सीरियसली नहीं लेते। और फिर हमें जॉनाथन और मॉर्टल दिखे एक साथ, तो ये मोमेंट भी अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ओह माय, पहली सुपर चैट कर दी देख। तो इन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्टेड है और इधर कोई हेट फैलाने वाला बात नहीं है। तो मैं फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप प्लीज किसी को भी हेट मत दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है वीरू और रॉक्स की तरफ से। तो इस टूर्नामेंट में हमें रॉक्स दिखे सोल रॉक्स के नाम से खेलते हुए, और फिर वीरू भी इसी टीम से खेल रहे थे। तो मॉर्टल ने कंफर्मेशन दिया है कि सोल का करंट BGMI लाइनअप होने वाला है, वाइपर, रेगल्टॉस, रॉक्स, वीरू और मॉर्टल। तो वो एग्जैक्ट मोमेंट अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मिन बेबी करंट लाइनअप विल बी वीरू, मॉर्टल, रॉक्स एंड वाइपर अभी के लिए, इट्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है नियो और वीरू की तरफ से। तो हमें नियो दिखे ऑल चैट में वीरू को ट्रोल करते हुए, तो वो मोमेंट भी अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अरे 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 बाप रे, पॉइंट यार है निंजा, हेलो वीरू निकालो भाई, पैसा है भाई, वीरू ऐसा प्लान मत कर, वीरू पैसा है पर इज्जत नहीं, वीरू फ्लैंक फटाफट गेम निकाल दे, ये मत बोल मत बोल, नहीं ऐसा मत बोल भाई।